तो आपने भी जरूर बचपन में कभी ना कभी ये च्युइंगम निकली होगी। बड़ा ही दुखद समय होता है वो, जब आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया और अब क्या होगा, क्योंकि आपको बचपन में बताया गया था बहुत जोर देके कि च्युइंगम मत निगल लेना बेटा, ये निगलने के लिए नहीं बनी है। तो आपके मन में वो डर रहता है, और अगर आप किसी को बताते भी हो तो आपके आसपास के प्यारे प्यारे लोग आपको बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि च्युइंगम जो होती है पेट में 7 साल तक पड़ी रहती है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होती है। हाय हाय, च्युइंगम निगल ली, अब ये फंसेगी आंतों में, कैंसर बनेगा, और खाओ ये भैंस की चमड़ी। पर हम लोगों की बातों का विश्वास नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि विज्ञान क्या कहता है। आइए देखते हैं। तो जब भी हम कुछ खाते हैं हमारा डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हम खाने को चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है जो अपना काम करना शुरू कर देता है, फिर वो चबाया हुआ खाना स्टमक में जाता है जहाँ पे मौजूद एसिड्स और एंजाइम्स उसको पचाने में मदद करते हैं। बाकी पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और लास्ट में जो चीज़ें नहीं पचती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है। अब देखते हैं कि च्युइंगम के साथ क्या होता है। आपको पता है जब भी मैं अपनी दादी के आगे च्युइंगम खाती हूँ तो वो एक ही बात कहती है कि थूक दे भैंस की चमड़ी। और उनको ही नहीं, बहुत सारे और लोगों को भी ऐसा लगता है कि च्युइंगम जानवरों की चमड़ी से बनी होती है। शायद वो दिखती ऐसी है जैसे कोई स्किन हो अंदर की, या पता नहीं क्यों, लेकिन दादी च्युइंगम भैंस की चमड़ी या किसी और जानवर की चमड़ी से नहीं बल्कि रबर से बनी होती है, जिसमें कुछ मिठास और रंग डाला जाता है हमारे टेस्ट के लिए। पुराने समय में च्युइंगम चिकल से बनती थी जो एक प्रकार के पेड़ से मिलता था, लेकिन World War II के बाद च्युइंगम रबर से ही बनने लगी। ब्यूटाइल रबर जिससे ज्यादातर च्युइंगम बनती है, जो बास्केटबॉल और कार के टायर में भी इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रकार का लैब में बनाया गया रबर ही है। आपको पता ही है कि बाकी चीजों की तरह हम च्युइंगम को चबा चबा के उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर पाते। फिर जब ये च्युइंगम हमारे पेट में जाता है तो इसमें मौजूद स्वीटनर्स और बाकी की चीजें हमारा पेट पचा लेता है, लेकिन ये रबर पेट में मौजूद एसिड्स और एंजाइम्स इसका बाल भी बाका नहीं कर पाता है, क्योंकि रबर है ही ऐसा मटेरियल जो आसानी से गलता और डाइजेस्ट नहीं होता, और इसीलिए च्युइंगम भी निगलने के लिए नहीं बनी है। तो इसका मतलब ये है कि च्युइंगम पेट में ही रह जाती है? नहीं, बहुत सारी चीजों की तरह जो हमारा शरीर नहीं पचा पाता, जैसे मक्के के दाने का जो छिलका होता है, वो चीजें जो नहीं पच पाती वो हमारे शरीर के दूसरे तरफ से बाहर निकल जाती है, और उसी तरीके से हमारी च्युइंगम भी बाहर निकल आती है। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसी भी चीज को धकेलने की क्षमता होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती हैं, आपको पता ही होगा, और इसी के कारण च्युइंगम भी हमारे एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से निकल पाती है। किसी को इसमें बहुत दिन लग सकते हैं और किसी को कुछ घंटे, ये डिपेंड करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि ये च्युइंगम बाहर निकल आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप च्युइंगम ही निकलते रहे, वैसे ऐसे कोई करता नहीं है, पर च्युइंगम निगलने के लिए नहीं बनी है। च्युइंगम निगलने का मतलब है रबर निगलना, और ये हमारे शरीर के किसी काम की नहीं होती। इससे आपके शरीर को फालतू में मेहनत तो लगती है, साथ ही साथ अगर बहुत सारी च्युइंगम निगल ली जाए तो वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को ब्लॉक कर सकती है। ब्लॉक करने की वजह से आपको पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन या बहुत अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे ऐसा कम ही होता है, तो अगर आपने गलती से वो च्युइंगम निगल भी ली है तो आप चिंता मत कीजिए, आपका शरीर संभाल लेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। च्युइंगम चबा के, तो आज हम च्युइंगम के बारे में बात करने वाले हैं। च्युइंगम के बारे में नहीं, मतलब अगर च्युइंगम बेटा च्युइंगम खा तो रहे हो, निगल मत लेना, पर मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। पर हम उन लोगों में से कहा जो लोगों की बातों पे विश्वास कर ले, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोलेगा हम मान लेगा। और ऐसे करते करते लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वो जो क्या बोल रही हूँ
अगर ये च्युइंगम हमारे अंदर चली जाए तो हमारे शरीर में क्या होता है उस बारे में।